बदावास के बीच बाजार में मेन रोड पर हाथ ठेले और ट्रैक्टर वालों की वजह से मेन रोड पर जाम लगा रहता है। उसके कारण आने जाने वाले लोगों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मेन रोड पर हाथ ठेलों की वजह से नगर में गंदगी का अंबार लगा रहता है। कई बार प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी प्रशासन नगर में साफ सफाई की ओर ध्यान नहीं देता, मेन रोड पर गंदगी का अंबार लगा रहता है। जब मेन रोड पर ये सब होता है तो बदरवास की गलियों का और भी बुरा हाल है। इनका कहना है कि ये मामला आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है। बदरवास में हाथ के ठेले के कारण जाम लग जाता है, राहगीरों को समस्या आती है। ऐसे में हम दल बनवाकर नगर में हाथ के ठेलों को एक निश्चित स्थान पर लगवाएंगे और साथ ही गंदगी होगी तो सफाई करवाएंगे, ऐसा CMO प्रियंका सिंह का कहना है। आपके द्वारा ये चीज संज्ञान में लाई जा रही है और आपसे मेरी इस संबंध में पहले ही मुलाकात है और आप बता रहे हैं, तो उसको देखते हुए साथ ही स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 को देखते हुए भी मैंने मार्केट एरिया का यहाँ पे भ्रमण किया है अपनी जॉइनिंग के बाद ही, और मैंने भी ये पाया कि अतिक्रमण की समस्या है और लोग अभी बाहर कचरा अपनी दुकानों के बाहर फेंक रहे हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए हमने लास्ट वीक से ही शाम को गाड़ी चलवाना शुरू कर दिया है, तो और सारे दुकानदारों से ये अपील की है कि वो शाम को चलने वाली गाड़ियों में अपनी दुकान से निकलने वाला कचरा गाड़ियों में ही डालें। साथ ही रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था शुरू कर दी गई है जिससे हमारा जो मुख्य बाजार है वो साफ सुथरा रहे। साथ ही रही अतिक्रमण की समस्या, इसके लिए हम दल बनाकर जल्द ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेंगे। मैम, हमने एक संज्ञान में आपके में मामला लाया गया था बदरवास अम्बेडकर समिति के द्वारा अम्बेडकर पार्क का, जिसमें विगत लंबे समय से अतिक्रमण किया हुआ है। कलेक्टर साहब को अभी तक आवेदन पहुंचे हैं यहाँ से आपके माध्यम से, अभी तक कोई प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। जैसा कि आपने बताया कि आपने मामला संज्ञान में लाया है और अंबेडकर पार्क निकाय में जानकारी के अनुसार निर्माणाधीन है, यदि उसमें अतिक्रमण है तो अतिक्रमण जल्द ही हटाकर पार्क का कार्य पूरा किया जाएगा।